ऑडियो नंबर टू। पुस्तक का नाम गुणों का परिष्कार ही सच्ची भक्ति। लेखक वेदमूर्ति तपोनिश, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अनगणित मान्यता, अनगणित भगवान। मित्रों, जितने भी देवी देवता बनाए हैं हमने, अपनी अपनी कल्पना से बनाए हैं। किसी की देवी सिंह पर सवार है, किसी की देवी नंग धरन जीभ निकालती हुई और 12 भुजा वाली है, किसी की देवी चंडी 2 भुजाओं वाली है, किसी की देवी उल्लू पर बैठी है और किसी की किसी पर बैठी है। कितनी देवियां हैं, कोई कप्पर लिए, कोई जीभ निकाले हुए, कोई सोने के जेवर पहने हुए, कोई मुंड माला पहने हुए। बेटे, इतनी देवियां दुनिया में कहां से हो सकती हैं? कोई देवी नहीं है, दुनिया में एक ही देवी है जिसका नाम है भगवान। उसी को माता कहा जाता है, उसी को पिता कहा जाता है, उसी को त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहा गया है। एक ही सर्वशक्तिमान के कल्पित नाम कल्पित तरु हैं। ये सब हमारी कल्पनाएं हैं जो देवियों के नाम पर, देवताओं के नाम पर, गणेश जी के नाम पर, महादेव जी के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर कितने सारे देवी देवता बना रखे करके रखे हैं। बेटे, अभी ये कम है, कितने होने चाहिए? पुराने जमाने में 33 कोटि मनुष्य थे, यहाँ और हर आदमी का एक भगवान अलग था। अभी हम कितने हो गए हैं? 1 अरब से ऊपर। अतः अरब से ऊपर देवता तो कम से कम होने ही चाहिए, ज्यादा हो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है। हर आदमी की अपनी अपनी कल्पना, अपनी अपनी मान्यता, अपने अपने विचार और अपने अपने सिद्धांत के हिसाब से चाहे जितने देवी देवता बनाए जा सकते हैं और बन सकते हैं, बनते रहे हैं और बनेंगे। रोज पैदा हो रहे हैं नए देवता। मित्रों, जो पुराने देवी देवता थे वे सब रिटायर हो गए, बर्खास्त हो गए। कौन कौन से बर्खास्त हो गए? वेदों के देवता बिल्कुल अलग थे, वे आज के देवताओं से कोई माने नहीं रखते। एक था पूषा, आपने सुना है कभी? पूषा तो साहब बिहार में है, जहाँ गेहूं की फसल तराशी जाती है। अरे नहीं बेटे, वो नहीं। पूषा एक देवता था, वे बड़ा जबरदस्त था, हमने तो नाम भी नहीं सुना। वेदों के काल में जो वैदिक देवता माने जाते थे बेटे, आज उनका कोई नाम भी नहीं मालूम होता। पौराणिक देवता जो आए आए वे भी बेटे अब धीरे धीरे समाप्त होते चले जा रहे हैं। जैसे विष्णु भगवान, विष्णु भगवान का तो उत्तर भारत में बायकॉट हो गया, और ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी तो बिल्कुल रिटायर हो गए, उनका तो पता भी नहीं है, वे तो बहुत बूढ़े हो गए हैं और बाबा जी के तरीके से बैठे रहते हैं। बेटे, अब नए नए भगवान, नए नए देवता पैदा होते चले जा रहे हैं। मसलन संतोषी माता, संतोषी माता अभी निकल कर आई हैं, मेरे देखते देखते पैदा और देखते देखते ही जवान हो गई। ये बड़ी जबरदस्त हो गई हैं, सब जगह फैलती हुई चली जा रही हैं। ये संतोषी माता 10 साल बाद नहीं रहेंगी, फिर कोई और पैदा हो जाएंगी। देवी देवता इतने हो गए हैं कि मक्खी मच्छर की तरीके से, मेंढक और बंदरों की तरीके से रोज आते हैं और रोज पैदा होते हैं। जहाँ कहीं भी जाइए, ये हमारी कुल देवी और कुल देवता है। सारे हिंदुस्तान में जाइए और पता करके आइए कि कुल देवियां कितनी हैं, कुल देवता कितने हैं। मैं समझता हूँ कि लाखों की तादाद में कुल देवियां और कुल देवता हैं। उनके नेचर का को आप देखेंगे तो हैरान होना पड़ेगा। देवी माता संबंधी भ्रांतियां, ये कहाँ रहती है देवी? खोडियारी माता, ये जैसलमेर में रहती हैं। कलकत्ते, कोलकाता का माड़ी मारवाड़ी भागते भागते वहां पहुंचता है। कहां? जैसलमेर में। बीवी को, मोहल्ले वालों को, बुआ जी को, पंडित जी को लेकर पहुंचता है। हजारों रुपया खर्च करता है, किसके लिए? देवी पर मुंडन होगा। फिर क्या करेंगी देवी? बाल खाएंगी? बाल तो बेटे तू कलकत्ता में भी पेटी में बंद करके भेज सकता था। लो महाराज जी, देवी को बाल खिला देना। नहीं महाराज जी, देवी तब प्रसन्न होती हैं जब उनके सामने ही फ्रेश माल, गर्मा गर्म माल, नया माल आता है। पुराना माल नहीं खाती देवी, बाल खाती हैं या माल? अरे महाराज जी, माल तो यहाँ भी बहुत है, वे तो बाल खाती हैं। धत तेरे की, बाल खाती हैं देवी,
मारवाड़ी की देवी अलग, फलाने की देवी अलग। बेटे, मुझे इतना गुस्सा आता है कि कई बार आग बबला हो जाता हूँ इन देवी देवताओं के अज्ञान के नाम पर। सो भी ऐसे ऐसे जो बाल खाए बिना काम नहीं चला सकते, जिनको ना रोटी की जरूरत है ना पूरी कचौरी की, और बाल खाने को नहीं मिले तब फिर देखना देवी का हाल। इसका बुखार बुला देंगी, उसको बीमार कर देंगी, उसके पैसे का नुकसान कर देंगी। अरे बाबा, देवी तू तो देवी है, फिर नुकसान क्यों करती है? ऐसी देवी सारे हिंदुस्तान में फैल गई है, सारे देश में देवी देवताओं की भक्ति के और भगवान के नाम पर अज्ञान फैल रहा है। फिर असलियत क्या है? असलियत जो है वो आपको जाननी ही चाहिए। आखिर देवता क्या है? देवता क्या है? अंततः मनुष्य गुण, मनुष्य देवता है मित्रों। मनुष्य के गुण, मनुष्य के कर्म, मनुष्य के स्वभाव। हनुमान जी प्रतीक हैं बल के और व्रत में ब्रह्मचर्य के। चंडी प्रतीक हैं संघ शक्ति और संगठन की। सरस्वती प्रतीक हैं कला और ज्ञान की। गायत्री प्रतीक हैं भावनाओं से जुड़ी सद्बुद्धि की। जितने भी देवी देवता हैं वे मानवीय गुणों के प्रतीक हैं। ये बात अगर आपकी समझ में आ जाए तो समझ भी आएगी कि देवताओं का अनुग्रह पाने के लिए आपको अपने जीवन में गुणों का विकास, कर्मों का विकास, स्वभाव का विकास करना पड़ेगा। मानवीय श्रेष्ठता को निरंतर बढ़ाने के लिए कमर कस कर चलना पड़ेगा, ताकि हमारे अंदर जो महानता है वह विकसित होती हुई चली जाए। शंकर जी कहाँ होते हैं बेटे? हमें नहीं मालूम कहाँ होते हैं और कहाँ नहीं होते हैं। आपने देखे हैं? हमने तो नहीं देखे। और आपने देखे हैं? हाँ महाराज जी, सपने में देखे हैं। सपने की कोई कीमत नहीं होती, सपने तो ख्वाब होते हैं। मित्रों, शंकर भगवान क्या हो सकते हैं? शंकर भगवान श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय और समन्वय है। शंकर जी का उदाहरण मैं आपको समझाना चाहता हूँ। शंकर जी की शक्ल सूरत आप देखिए, और उनके सिर से गंगा जी निकलती है। क्यों साहब, किसी के सर में से गंगा जी निकलेगी तो आदमी करवट कैसे लेगा? सोचिए, अगर मैं बैठा हूँ और मेरे सिर से पानी निकलता रहे और पानी जमीन पे गिरता और बहता चला जाएगा, लेकिन मैं कभी सोऊं तब, करवट लूं तब, पानी मेरे सिर में से निकलता है तो मेरे नाक कान और मुंह में घुसेगा कि नहीं? फिर मैं मरूंगा कि जीऊंगा? शंकर भगवान 24 घंटे बैठे रहते हैं, तब तो मैं नहीं कहता, लेकिन उनको कभी भी सोने का मौका मिला होगा तो गंगा जी उनके नाक कान में घुस गई होंगी और शंकर जी उसमें डूब गए होंगे। अलंकारिक विवरण देवी देवताओं के मूल में। मित्रों, यह एक अलंकार है जिससे यह बात बताई गई है कि जिस शक्ति या जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में से ज्ञान की गंगा निकलती है, शुद्ध पवित्र विचार निकलते हैं। ऐसे विचार जो मनुष्य को शुद्ध पवित्र बनाने में समर्थ हो, उस आदमी का, उस देवता का, उस शक्ति का नाम शंकर, जिसके मन मस्तिष्क में से हमेशा ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती हो। शंकर जी के सिर पर चंद्रमा टंगा हुआ है। चंद्रमा कैसे टांगा जा सकता है? वह तो बेटा फुटबॉल के तरीके से गोल मटोल है। चंद्रमा को सर पर टांगना हो तो उसे दो तरीके हो सकते हैं। एक तो सिर में सुराख करके उस पे बोल्ट कस दिया जाए, अथवा स्टैंड लगा दिया जाए। हमारे यहाँ सामने रखी हो गेंद तो स्टैंड पर गेंद रखी रहा करे और आप अपना सर उसके पास जाकर लगा दिया करें। यह एक और तरीका है कि आप रस्से या तार लाइए और उस गेंद को चारों तरफ से हमारे सिर से बांध दीजिए। नहीं साहब, शंकर जी के सिर पर तो चंद्रमा टंगा हुआ है। बेटे, चंद्रमा एक अलंकार है जिसका अर्थ होता है संतुलन। शांति का प्रतीक है चंद्रमा। हमारा मस्तिष्क प्रत्येक परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए। मित्रों, घबराहट, हैरानी, परेशानी, जलन, इन सारी बातों में हमारा दिमाग अशांत रहता है और हमारे ढेरों के ढेरों नुकसान होते रहते हैं। हम जिस समस्या का समाधान करने के लिए चलते हैं उसका समाधान तो नहीं होता, बल्कि समस्या और भी उलझती चली जाती है। प्रत्येक परिस्थिति में, मुसीबत में, शोक में भी अपने दिमाग से के बैलेंस को आप सही रखिए। जो मुसीबत आई है
उसका रास्ता निकालने के लिए आप अपने दिमाग के अलावा और है क्या आपके पास? दिमाग का बैलेंस सही रख सके इसके लिए आप सिर के ऊपर चंद्रमा टांगिए। ये क्या चीज है? ये बेटे शिक्षा है, दिशा है, धारा है और एक फिलॉसफी है जिंदगी की, शिक्षण और दिशा धारा। शंकर जी की आंख होती है तीन। तीन कैसे आंखें, कैसी आंखें होती हैं? बेटे शंकर जी की एक आंख ऐसी है, जब कभी उसे खोल देते हैं उससे जिस किसी को देखते हैं वह जलकर भस्म हो जाती है। जैसे कामदेव को एक दिन शंकर जी ने आंख खोलकर देखा तो वह तुरंत जलकर राख हो गया। तो महाराज जी, अगर मैं जाऊं शंकर भगवान के सामने तो? बेटे तू ऐसे वक्त जाना जब शंकर जी सोकर नहीं उठे हों, सो करके उठते ही शायद आंखों को मलते हों और आंखें खुल गईं तो फिर समझ लेना। तू गया तो इसलिए कि मनोकामना पूरी करके लाऊंगा, पर शंकर जी ने खुली आंख से देख लिया तो तेरा तो सफाया हो जाएगा। सो तू मत जाना। कौन से वक्त जाऊं? 9 बजे के बाद जाना, जब शंकर जी कुल्ला उल्ला करके मुंह हाथ धोकर चश्मा पहनकर ठीक हो जाते हैं तब जाना। महाराज जी, ऐसी आंख होती है? बेटे कोई आंख नहीं है। फिर ये क्या है? तीसरी आंख, विवेक की आंख, दूरदर्शिता की आंख, टेलीस्कोप की आंख, जिससे हमको परलोक दिखाई पड़ता है, जिससे नरक दिखाई पड़ता है, जिससे पुनर्जन्म अगला जीवन दिखाई पड़ता है, जिससे हमको बुढ़ापा दिखाई पड़ता है। दूरदर्शिता एवं विवेक का प्रतीक। मित्रों, हमको तो केवल आज का फायदा दिखाई पड़ता है, कल क्या परिणाम होगा ये दिखाई नहीं पड़ता। हम वह चीजें खाते हैं कि कल हमारा पेट खराब हो जाए तो क्या? दावत खाने जाते हैं तो खाते ही चले जाते हैं। अरे बाबा, पेट में दर्द हो जाएगा। अरे साहब, कल दर्द होता तो लवण भास्कर चूर्ण खा लेते, आज तो खा लेने दीजिए। आज खाता है और घंटे भर बाद की बात भी नहीं मालूम तुझे। नहीं महाराज, जो कुछ होगा सो देखा जाएगा। मित्रों, हम और आप वो आदमी हैं जिनको अभी इस वक्त का फायदा याद है। दूर का नुकसान, दूर का फायदा ध्यान में नहीं आता। अगर यह हमको याद आया होता तो हम अपनी जिंदगी का क्रम ऐसा बनाया होता कि हमारा वर्तमान जीवन, बुढ़ापे का जीवन, भावी जीवन, मरने के बाद का जीवन शानदार बना होता। आज के फायदे के लिए हमने सब कुछ गवा दिया। हमारी वह तीसरी आंख, जिसको हम टेलीस्कोप कह सकते हैं, जिससे हमको अपना भविष्य दिखाई पड़ता। मित्रों, शंकर जी के पास थी यह आंख। जब कामदेव आया तो उन्होंने इस आंख को खोला। अच्छा, आप पधारे हैं? कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है और अपने जबड़े में जख्म कर लेता है। जबड़े के जख्म से जो मुंह में खून टपकता है उसे समझता है कि ना जाने कैसा जायका आ रहा है। कहिए कामदेव साहब, आप सूखी हड्डी है ना? हो साहब, हम लोग कुत्ते हैं ना? हो। देखिए, हम अपनी जवानी, अपना शौर्य, अपना तेज, अपना ओजस बारूद की तरीके से और फुलझड़ी के तरीके से सब जलाते हैं और ये समझते हैं कि ना जाने हमने क्या कमा लिया, क्या फायदा उठा लिया। मित्रों, यह काम वासना का स्वरूप शंकर जी की समझ में आया और उन्होंने काम वासना को मारकर भगा दिया, कामदेव को जला दिया। विवेक अगर हमारे पास आए तो हम असंख्य बुराइयों, असंख्य दुर्बलताओं को, कमजोरियों को सहज ही मारकर भगा सकते हैं। यह है शंकर जी की तीसरी आंख, जिस सिद्धांत पर ये तीसरी आंख जुड़ी हुई है, जिस व्यक्ति के जीवन में ये तीसरी आंख जुड़ी हुई है वह शंकर अथवा शंकर का भक्त है। मित्रों, शंकर भगवान के गले में मुंडों की माला पहने हुए हैं। क्या मतलब है? शंकर जी ने कंकालों से बनी मुंडों की माला गले में पहन रखी है। आप भी अगर मुंडों की माला गले में पहन करके रखें और यह देखें कि हमारी बीवी मुंड, हमारा बच्चा मुंड, हमारा शरीर मुंड है, ये सब हड्डियों के जंजाल और हड्डियों के जखीरे मरे हुए पड़े हैं और हमारे गले में बंधे हुए हैं। खोपड़ी वाला कंकाल जो हमको अपना दिखाई पड़ता है, उसके साथ मौत और जिंदगी को मिला करके, समन्वय करके रखा होता तो मजा आ जाता।
एक कंधे पर आपने मौत का हाथ पकड़ रखा है और दूसरे कंधे पर जिंदगी का हाथ रखा होता तो मौत और जिंदगी के समन्वय से मित्रों आपकी जिंदगी राजा परीक्षित जैसी हो गई होती। अगर आपको मौत को समझा होता तो सिकंदर के तरीके से आपको अफसोस ना करना पड़ता।